वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आपके पास है ओप्पो F27 5G मोबाइल और आप अपने मोबाइल में ऐप को हाइड करना चाहते हो तो कैसे हाइड करो, किसी भी ऐप को आप आसानी से छुपा सकते हो, प्राइवेट रख सकते हो, कैसे हाइड करते हैं उसके लिए मोबाइल की सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाते हैं, इस तरीके से इंटरफेस शो हो जाएगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे क्लिक करना है। अब इस पे क्लिक करेंगे, नीचे आ जाएंगे थोड़ा, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नीचे मिल जाता है हाइड एप्स, इस पे क्लिक करना है। पहले से अगर आपने कोई भी प्राइवेसी लॉक बनाया तो वो लॉक यहाँ पे डालना है, अगर आपने नहीं बनाया रहेगा तो आपको यहाँ से एक लॉक सेट कर लेना है। जैसे ही लॉक सेट कर लेंगे इस तरीके से शो हो जाएगा। अगर आपने पहले से लॉक नहीं बनाया रहेगा तो यहाँ पे आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिलेगा, उसके समय टिक ऑन करोगे तो आप लॉक सेट कर सकते हो वहां से। अब दोस्तों, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन इंस्टॉल रहती है वो सारी की सारी यहाँ पे आती है। मान लीजिए हमको कोई भी एक एप्लीकेशन लॉक करना है, उसके समय टिक ऑन करेंगे, सेट एक्सेस कोड, एक एक्सेस कोड यहाँ से सेटिंग्स पे क्लिक करके बना लीजिएगा। पहले हैच लगाना, उसके बाद में चार अंक कोई भी डालेंगे, फिर से हैच लगा देंगे। अब आपको यहाँ पे सही के मार पे टिक करना है, ये आपके मोबाइल में हाइड ही एप्लीकेशन का कोड बन जाता है। अब बता रहा है डायलर में जाएंगे और डायल पैड को ओपन करके जो आपने यहाँ पे कोड बनाया है वो कोड वहां पे डालेंगे और हाइड ही एप्लीकेशन आप वहां से देख पाओगे। तो डन पे क्लिक करेंगे और दो तीन एप्लीकेशन को हम यहाँ से हाइड कर लेंगे। जैसे हाइड कर लेते हैं दोस्तों, आपको करना क्या है, इस तरीके से हाइड कर लिया मैंने। और अब दोस्तों बैक आ जाऊंगा और आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि हमारे मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन हाइड किया है वो कहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आपको डायलर में जाना है और डायल पैड को ओपन कर लेना है, इस तरीके से जो आपने वहां पे कोड बनाया था वो कोड डाल देंगे और हाइड हुई एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएंगी, इनको आप यहाँ से चला सकते हो। तो इस तरीके से अपने मोबाइल में ऐप को आसानी से हाइड कर सकते हो।